आर्मी चीफ ने कहा कि कोई सियासतदान भी पाकिस्तान नाल मुखलिस कह नहीं, ये गल तो आर्मी चीफ ने 100% सही है कि देखो इन टाइम कौम के उत्ते मुश्किल वक्त है, महंगाई है, बिजली के बिल वगैरह इन जो ना एक आम आदमी के वस के बाहर हो टाइम देखो कि जो सियासतदान वो तो भज गए हूँ मीडिया में आई कि जरदारी भी दुबई लगा गए, नवाज शरीफ पहले ही था कह नहीं, आवाम इन टाइम क्राइसिस है तो वो सारे भज गए, लिहाजा देखो वल आर्मी तो खड़ी है ना, ठीक है ये तो कह नहीं भजे, ये ना 65 भजे हैं ना ये 71 भजे हैं जेले जो है ना भावें मुल्क त्रुट गए लेकिन भजिए कह नहीं, ना ये जो है ना कारगिल दे वेले भजे हैं भावें जो है ना वो कर्नल शेर खान जो सारे शहीद हैं जिन्हें को निशाने हैदर दिता गया उन्होंने जी मैयत है वो सब भारत ने वापस किया है और उन्हें आख्या है कि एक सिख जरनेल ने कि यार ये बंदा बड़ी बहादुरी नाल लड़िया, देखो वल भी ये भजिए तो कह नहीं ना ना, ये देखो इन टाइम जनरल बाजवा पाकिस्तान रहा पा ना गाल देते कहीं कुछ शक है, जिहड़े रहील शरीफ है वह भी तो पाकिस्तान रहा पा ना, जरा कियानी है वह भी तो पाकिस्तान रहा पा ना, जो रिटायर्ड ISI चीफ है वह भी सारे पाकिस्तान रहा पा ना, सियासतदान तो भज मैंने सियासतदान अगर मुखलिस हो ना तो मुल्क खड़े हा मुश्किल हालात में आवाम को कढ़न हा वो तो मुखलिस हैं कहना, जे दो चार मुखलिस हैं वो जेलों में पैन थे, जे बारगेन नहीं करें जे लैन देन नहीं करेंगे वो जेलों में पैन थे, जे मौक मौका करेंदन वो भज वेंदे। अच्छा हमें गाल बिया एक जी अहम गाल है जरा वो ताजर है ये अंदरों कने बारो ताजर आके दसेंदे पंजरी गाल असं तो उन्हें कोई डिस्कस कर सकते ना, अस तो अंदरों कहना से ना सा देखने हराम दा पैसे ना सा वो ताजरे में शामिल हासे एक बई गाल है क्योंकि जे एक कीबोर्ड वारियर ये जे जो ना सोशल मीडिया से बह के इवें खाम खात जो ना आवाम के हक हलेंदन बुझदल बारो तो निकलते हैं इवें बह के फेसबुक से या यूट्यूब से पूजे मरेंदन उन्हें खिलाफ ही असा एक्शन गिनसूँ उन्हें कोई कहना छोड़े चुँ ये तो सारे कने चंगी गाल है उन्हें को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान के जल्द मीडिया इतना आजाद है चंगी चंगे खबर दें तो इस सोशल मीडिया वाले को क्या मसला है ये जो ना वन के उतना रोला पा रहे हैं इन्हों को तो रोकना चाहिए ना कम।